बहुत ज्यादा लेट हो गया था, दुपट्टा रखा हुआ है वो दुपट्टा ऐसा दुल्हन हुआ। अंधेरा हो चुका है एंड वी आर स्टिल इन द कार। प्लीज अपना बर्थडे ड्रेस देखे, सारे डिस्प्ले कर दिए हैं अब बुटीक में। ओह माय गॉड, बहुत मजे का लग रहा है। तरह से अचानक हमारा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। घर आते के साथ ही मुझे एक बहुत जबरदस्त न्यूज मिली, मुझे नहीं पता था कि इतना ज्यादा वायरल हो जाएगा। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी रिकी काशिफ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। न्यू ब्लॉग अभी एकदम फुल रेडी होके मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। ब्लॉग का आगाज किया है, आगे आगे देखते हैं कि आज के ब्लॉग में क्या होता है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का अपडेट आप लोगों को फटाफट से मिल जाए। जल्दी से मैं ड्रेस चेंज करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ये एक बहुत ही प्यारा सा पैकेज हमें रिसीव हुआ है SL नेचुरल्स की तरफ से, जिसमें बहुत मजेदार डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स के सीरियल्स हैं, साथ ही साथ मेरे फेवरेट चिया सीड्स हैं और भी बहुत सारी सीड्स उन्होंने भेजे हैं। तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूंगी, बट अभी क्योंकि लेट हो रहा है तो अभी तो अनबॉक्सिंग नहीं होगा। अभी मैं जल्दी से ड्रेस पहनूंगी, हम जाएंगे, जब मैं वापस आऊंगी तब हम अनबॉक्सिंग करेंगे। सो गाइस, मैं निकल चुकी हूँ, सो सॉरी मैं आप लोग को नहीं बता सकी, ना मैं अपना ड्रेस दिखा सकी, बस फटाफट से निकली बिकॉज टाइम बिल्कुल भी नहीं था, बहुत बहुत ज्यादा लेट हो गया था। जहाँ मैंने इरादा किया था 2 बजे जाने का, वहां मैं 4 बजे निकली हूँ। खैर, पीछे मेरा पूरा दुपट्टा रखा हुआ है, वो दुपट्टा ऐसा दुल्हनों वाला लिटरली, तभी मैंने पहना नहीं है क्योंकि ये ड्रेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा हैवी। तो खैर, जल्दी से पहुंचते हैं वहाँ पे, शूट करवाते हैं। ये साहब मेरे साथ जा रहे हैं, आजकल आप क्यों इतना मेरे साथ जा रहे हैं, जरा वजह बताएं, ताकि आने वाले टाइम में इनके बजाय ये जा सके, इसलिए ये मेरे साथ साथ जा रहे सीख सके जब इनकी शादी हो जाएगी खुरैम की इंशाल्लाह। इतना कोई बैड लक है कि जिस भी ब्रांड का ड्रेस है ना, उनका ही बैड लक है। मैंने जब जब पहने तब तक मेरा शूट नहीं हुआ, और अभी भी मैंने पहना हुआ है। जिस लोकेशन पे हमें जाना था वहाँ का ऑफ सीन हो गया, दूसरी लोकेशन हमने ढूंढी और टाइम है नहीं, ऑलरेडी 6:20 हो रहा है और कैसे शूट होगा आई डोंट नो। और ये बेचारा ब्रांड बहुत जितनी जल्दी जल्दी कर रहा है ना, उतना ही लेट हो रहा है बेचारा। यहाँ पर जो है वो अंधेरा हो चुका है एंड वी आर स्टिल इन द कार गाइस। लोकेशन के चक्कर में बहुत ऑफ सीन हो गया है आज। अभी जा रहे हैं किसी जगह, पता नहीं हम किस गली जा रहे हैं, बट प्लीज हो जाए, मुझे इतनी टेंशन है। इस ड्रेस ने मुझे बहुत टेंशन दे दी है, अब तक का सबसे यू नो डिफिकल्ट शूट है मेरा ये। तो अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह बस हो जाए तो सुकून का सांस आएगा। मैंने इसके साथ साथ अपना एक और ड्रेस भी रखा था क्योंकि मुझे इस ड्रेस का भी शूट करवाना था। मैंने सोचा था कि चलो एक साथ ही हो जाएगा, बट अभी तो लगता है इसका हो जाए यही बड़ी बात हो जाएगी। लेट्स सी। सो फाइनली एक लोकेशन पर हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पर वैसे अंधेरा हो चुका है, बट फिर भी पिक्चर्स वगैरह वो ले रहे हैं। लेट्स सी कि इसका आउटपुट कैसा आता है स्टेज में। बहुत अंधेरा हो गया, जल्दी जल्दी हो रहा है जो हो रहा है। आई एम डन विद द शूट गाइज, अंधेरे में शूट किया है, बट आई होप कि आउटपुट जब आएगा तो अच्छा ही होगा। बहुत अर्जेंट बेसिस पे करवाना था, ब्रांड वाले बहुत ज़्यादा बोल रहे थे। तो खैर, वो हो गया है शूट। अब जो है हम लोग कहाँ जा रहे हैं, गाउन देखने ना, जो मेरा बर्थडे गाउन है वो अब तक नहीं आया था, अभी हम वही देखने जा रहे हैं। लेट्स सी कि हमें कौन सा पसंद आता है, मिलता है भी क्या नहीं, जो भी होगा वो मैं आप लोग को अपडेट करती हूं। गाइज, यहाँ पर हम लोग आए हैं आउटलेट से कपड़े लेने। मैं कैजुअल कपड़े लाना भूल गई थी, वो भी सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से। इसने कहा कि तुम दूसरा शूट भी करवाओगे, दूसरे शूट का ड्रेस जो है वो इतना ज्यादा हैवी नहीं है, तुम पहन के रह सकती हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन शूट वाला जो सीन था बिल्कुल ऑफ ही हो गया, रात में हमें शूट करना पड़ा। अच्छा शूट हो गया, लेकिन एक ड्रेस रह गया जिसका हमें बाद में करवाना पड़ेगा। खैर, अभी जरीर को भेजा है मैंने एक शर्ट या कुछ इस तरह ड्रेस लेने के लिए कि मैं पहन सकूं, क्योंकि ये हैवी ड्रेस पहन के मैं ऐसे नहीं घूम सकती, मुझे गाउन्स देखने जाने हैं। तो ये बहुत हैवी ड्रेस है, आप लोग देख सकते हो, बट लग बहुत हसीन रहा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर बताओ कि मैं कैसी। गाइस, यहाँ पे जरीर को हमने आउटलेट पे भेजा है, तो जरीर हमें पिक्चर्स बना बना के भेज रहे हैं कि इनमें से बताओ आप ही। मैंने बोला कि भैया इसको मार्क करके भेजो, बोलो ये इसकी पिक्चर्स बना बना के भेजे।
ये अलग अलग करके भेजो ताकि फाइनल हो सके, नजर नहीं आ रहा क्या क्या है। जरीर जो है ना वो बिल्कुल अलग इंसान है, वो अपने में रहता है, उसको कभी इन चीजों का शौक नहीं हुआ, लेकिन आज हमने उसको बोला कि जाओ तुम जाओ जाके देखो क्या है ये फ्रॉक है। भाई साहब जो है वो आ चुके हैं गाड़ी में। ओए होए होए क्या लेके आया, दिखाओ तो खोल के। अच्छी है, मजा आया शॉपिंग करने में। यहाँ पे हम लोग खाने लगे हैं हॉट पॉट अल्फ्रेडो पास्ता, साथ ही साथ फ्राइड मोमोज। बहुत ज्यादा दिल कर रहा था तो फिर हमने सोचा कि चलो यही खाते हैं, हम तीनों की फेवरेट चीज है और फेवरेट जगह है, तो बस जल्दी से फटाफट से खाते हैं फिर उसके बाद चलते हैं। 2000 years later गाइस मैं पहुंच चुकी हूं काशी से अपना बर्थडे ड्रेस देखने, सारे डिस्प्ले कर दिए हैं अब बुटीक में। ओह माय गॉड बुटीक में, ओह माय गॉड अच्छे तो है गाइस, मैं दिखा दूंगा नहीं लोगों को दिखाऊंगी गाइस, अभी मैं देख लूं फिर आप लोगों से बात करता हूं। अभी यहाँ पर मैं अपने ड्रेस के हिसाब से ज्वेलरी देख रही हूँ, ज्वेलरी जो है वो एमरल्ड में ही जाएगी, जिसमें से मुझे एक ये पसंद आई है जो कि बड़ी ज़बरदस्त सी लग रही है। हैं भैया व्हाट यू प्रेफर, अच्छी है ना, मज़े की लग रही है ये, और भी है साथ साथ, लेकिन और इतनी ज़्यादा मुझे कोई खास लग नहीं रही ड्रेस के हिसाब से, बट मे बी ये मैं चूज़ करूँ, और मे बी इसमें चोकर टाइप भी है। भैया ये भी है, देसी नहीं दे रहा, वो ग्रीन वाला कितना मज़े का लग रहा है, देखो अच्छा लग रहा है, ये मुझे बड़े मज़े का लगा। अब देखें ज्वेलरी में कंफ्यूजन है कौन सी पसंद आती है, जो भी पसंद आएगी वो हम ले लेंगे और बस पहन लेंगे। ये भी बहुत मज़े का लग रहा है, इस तरह से आएगी अच्छा है ना, सिर्फ ये का ले और कुछ भी क्या बोला तुमने, कोई भी अच्छा नहीं लग रहा, 14 अगस्त का लग रहा है, ये कह रहा है 14 अगस्त का लग रहा है, ग्रीन और वाइट, इतना मारूंगी ना मैं, ग्रीन और वाइट ये वैसा वाला ग्रीन नहीं है बट मजे का लग रहा है। भैया तुम क्या कहते हो, अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, दूसरा वाला भी अच्छा लग रहा है, लेकिन तैयार तो मुझे यहीं से होना है, तो फिर यहीं से ज्वेलरी देख लेंगे हर चीज से। यहां ये भी मेरे ट्राई करके देख लो क्या था, मुझको अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लगे, मारूंगी। यहां पर मेरा हो रहा है हेड वॉश, अचानक वाला बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अच्छा आप भी लेब्रा है क्या, आप भी लेब्रा है मेरे, हाँ स्टार क्या है, लेट हो, अच्छा लेट हो, स्टाफ की तरफ से ये जबरदस्त सरप्राइज, वाह नहीं बहुत अच्छा लगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और बहुत खुश रहे। प्लीज अब मैं यहाँ से फ्री हो चुकी हूँ, बस निकल रही हूँ, मुझे नहीं पता था काशन भाई की बर्थडे, मैं अचानक से यहाँ पे आई थी अपना ड्रेस देखने के, फिर उन्होंने ऊपर बुला लिया, बस यही सी हुआ, अब बस घर के निकलूंगी। सो गाइज आई एम बैक होम फाइनली, और आज का दिन तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्री बर्थडे शूट की न्यूज़ लगी है, मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा वायरल हो जाएगा, खासकर इंडिया में, इंडिया के हर मैगजीन्स में मेरी न्यूज़ लगी है, और मैं देख के इतना ज़्यादा खुश हूँ कि मतलब वाओ व्हाट इज़ दिस हैपनिंग, बड़ा मज़ा आया। इसमें इतने सारे लिंक्स हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी मेरा शूट लगाया, और इतनी ज़्यादा एप्रिसिएशन, इतने काइंड वर्ड्स लिखे हैं कि मुझे वो देखकर पढ़कर बहुत खुशी हुई कि मतलब कितना ज़्यादा ये लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये इतने सारे लिंक्स मैंने जमा करके रखे, मैं एक एक करके इंस्टा पर लगाऊंगी, मैं आप लोग को भी दिखाऊंगी, आप लोगों से भी शेयर करूंगी कि आखिर क्या लगा है न्यूज़ में। सबको पहले ये लग रहा था कि एडिटिंग से ना इस तरह से रबीका को हवा में पहुंचाया गया और ऐसे ऐसे पिक्चर ली गई है, लेकिन जैसे ही मैंने BTS शेयर किए व्लॉग के जरिए और रील के जरिए, तो सब एकदम शॉक्ड हो गए, वाकई में ये मुमकिन हुआ है, मतलब उसके बाद से ही आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिखाना शुरू किया है। तो न्यूज 18, न्यूज 9, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, सारे मैगजीन्स जितने भी है ना इंडिया के, सब जगह आपकी बहन की पोस्ट लगी है, और एकदम
जबरदस्त किस्म की अप्रिसिएशन मिली है। हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो पता भी नहीं था। बाबा ने मुझे जब बताया मैंने कहा नहीं शायद मजाक कर रहे हैं, मगर जब मैंने रियल में देखा तो मैं एकदम खुशी से फूले नहीं रहा। तुम बोल भी रही थी कि ना क्या कहते हैं मम्मा मैं कर तो रही हूँ, लोग जो है ना बोलेंगे जाहिर सी बातें मैंने कैसे किया क्या हुआ, मगर खैर मैंने कहा नहीं नहीं देखना बहुत खुश होंगे तुम्हारे फैंस, और यही हुआ, लोगों ने बहुत प्यार बरसाया माशाल्लाह। और रील्स वगैरह जब डाली, जब पता चला रियल में ऐसा हुआ है और सोचे कि हमारे सामने हो रहा था तो हमारा क्या हाल होगा, सब एकदम शॉक्ड हो गए थे कि मतलब हो रहा है क्या होगा सारी चीजें। लेकिन सच में ना जिस तरह का मैंने सोचा था उसी तरह का अच्छा आउटपुट आया है। मतलब जो मेरी टीम है उन्होंने इतनी प्यारी पिक्चर्स ली, इतनी मजे की वीडियोस बनाई, तो मतलब हेड्स ऑफ टू माय टीम, मुझे तो बड़ा मजा आया शूट करके। और आप लोग का जब प्यार मिला ना तो एकदम डबल ट्रिपल हो गया। और आई थिंक ये जब व्लॉग अपलोड होगा 24 को व्लॉग अपलोड होगा 25-26, मतलब एक ही दिन रह जाएगा आपकी बहन की बर्थडे में। यकीन ही नहीं आ रहा कि कैसे ये साल गुजर गया, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आगे जो इवेंट होने वाला है ना एकदम मस्त किस्म का इवेंट है। आप लोग जब देखोगे आप लोगों मतलब वाओ क्या थीम है क्या डिकोर है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह वैसा हो जाए। बस दुआ में याद रखो और व्लॉग पर बहुत सारा प्यार बरसाओ। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ ताकि मेरी बर्थडे की आने वाली वीडियोस आप लोग को फटाफट से देखने को मिले। अगर चाहते हो तो जल्दी से प्रेस कर दो बेल आइकन और बहुत सारी दुआओं में याद रखो। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।